दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे RCS कॉलेज के बारे में, वो भी BA, BSc या BCom तीनों का ऑनलाइन ही एडमिशन होने वाला है। हम आपको वेबसाइट पर लेके आपको दिखा देते हैं वहाँ पे किस प्रकार से जो है ऑनलाइन होगा दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों वेबसाइट पे। दोस्तों कुछ इस प्रकार से वेबसाइट, जैसे ही आइएगा वेबसाइट पे कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपको जो है ऑनलाइन करने के किस प्रकार से करना है ऑनलाइन, आप इस वेबसाइट पे आ जाइएगा। इस वेबसाइट का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, जिससे कि आप बड़े आसानी से इस वेबसाइट पे आ जाइएगा। यहाँ पे वही लोग आवेदन कर पाएंगे ऑनलाइन आवेदन, जिनका जो कि RCS कॉलेज में कन्फर्म हो चुका है एडमिशन के लिए। ऑनलाइन के माध्यम से ही होगा दोस्तों एडमिशन, आपको कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है, बस यहीं से आपको आवेदन कर देना होगा और डॉक्यूमेंट जो ऑफलाइन है वो जाके आईडी कार्ड के लिए आपको जाके आईडी कार्ड कॉलेज से प्राप्त कर पाएंगे। तो फिलहाल हम आपको यही बताएंगे कि आप इस वेबसाइट पाने के बाद किस प्रकार से ऑनलाइन कर पाएंगे। उसके लिए जैसे ही यहाँ पर आइएगा इस वेबसाइट पर, यहाँ देखिए ऑनलाइन स्टूडेंट पोर्टल कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप, तो आपको यहाँ पर कुछ और इंटरफेस, नया इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों कुछ इस प्रकार से। जैसे ही आएगा आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, तो आपको यहाँ पे देखिए यूजी या इंटरमीडिएट कुछ इस प्रकार से डिटेल्स खुल के आएगा। यहाँ पे देखिए इंटरमीडिएट का बहुत सारा डिटेल्स है, लेकिन आपको जो यहाँ पे जो है कॉलेज इन्फॉर्मेशन में यूजी पार्ट वन एडमिशन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे कि यहाँ पे एडमिशन के लिए यहाँ पे वैसे हम नोटिस आपको दिखा देते हैं दोस्तों कि एडमिशन ऑनलाइन के माध्यम से ही होगा, वो नोटिस हम आपको दिखा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस प्रकार से नोटिस है, जो कि ये नोटिस आपको ये कह रहा है कि आप ऑनलाइन के माध्यम से, आप देखिए ऑनलाइन के माध्यम से इस वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन स्टूडेंट पोर्टल के लिंक पर क्लिक करके यूनिवर्सिटी फॉर्म और लॉगिन करके अपना जो फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से फॉर्म भरने में, यहाँ पर देखिए आवेदन का एक फोटो लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, कॉमन एप्लीकेशन जो कि आप BA में एडमिशन के लिए फॉर्म भरे थे वो, और इंटर का अंक प्रमाण यानी कि मार्कशीट और प्रवेश एडमिट कार्ड ये लगेगा, और CLC लगेगा। कुछ जितना सारा डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे जो दोस्तों है आवेदन करने के बाद दोस्तों यहाँ 15 दिनों के अंदर आपको जमा कर देना होगा ऑफलाइन कागज, जिसमें कि CLC ओरिजिनल होना चाहिए। ये जमा करने के बाद आपको तुरंत आईडी कार्ड इस कॉलेज से प्रोवाइड हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हम ये नोटिफिकेशन, जो कि आपको कन्फर्म करता है कि ऑनलाइन के माध्यम से ही एडमिशन होगा। अब ऑनलाइन माध्यम से जैसे ही होगा, तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन अगर आप करना चाहते हैं कन्फर्म, आपका इस कॉलेज में लिस्ट मेरिट, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में शो कर दिया गया है, तो आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए UG पार्ट वन एडमिशन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे क्लिक कीजिएगा कुछ इस प्रकार से आएगा। यहाँ पे देखिए फॉर्म नंबर, जो कि हम आपको बता देते हैं फॉर्म नंबर कौन सा होता है, और यहाँ पे अपना नाम देके लॉग इन कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिखा दें एग्जांपल में दोस्तों, यहाँ पे देखिए फॉर्म नंबर शो करता है, मेरिट लिस्ट में भी फॉर्म नंबर यहाँ पे शो करता है। यही फॉर्म नंबर आपको जो है कुछ यहाँ पे आपको इंटर करना होगा, उसके बाद आपका जो भी नंबर है वो यहाँ पे देख लॉग इन कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है जिनका नाम है दोस्तों कन्फर्म, यहाँ पे देखिए कन्फर्म लिखा है, वही अप्लाई कर पाएंगे इस वेबसाइट के जरिए RCS कॉलेज में। लॉगिन करने के बाद जो है जो भी सारा डिटेल्स है वो डॉक्यूमेंट लगने वाला है। वैसे जैसे कोई भी इस तरह का स्टूडेंट हमारे यहाँ ऑनलाइन करने के लिए आएगा, तो हम आपको जो है एक वीडियो प्रोवाइड कर देंगे कि आप किस प्रकार से ऑनलाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल ये सिर्फ आपको जानकारी के लिए वीडियो था कि ऑनलाइन के माध्यम से एडमिशन होगा, आपको कॉलेज जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर देखिए लास्ट डेट भी दिया गया है 28 अक्टूबर से 11 नवम्बर तक। जी हाँ दोस्तों, ये एडमिशन कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से। तो आज का वीडियो यहीं तक था दोस्तों। अगर ये जानकारी अच्छा लगे आपको, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। वैसे इस वेबसाइट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से चेक कर पाएंगे। धन्यवाद।